दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi Note 11 मोबाइल के न्यू अपडेट के बारे में। दोस्तों इसमें जो है न्यू अपडेट आ चुका है और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप इसे किस तरह से अपडेट कर सकते हैं और दोस्तों इस नए अपडेट में हमें क्या क्या नया देखने को मिलने वाला है। तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त विजय और आपका स्वागत है न्यू कूल ऑफिशियल चैनल में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक भी किया लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों आज हमारे पास है Redmi Note 11 स्मार्टफोन और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसके नए अपडेट के बारे में बात। दोस्तों यहाँ पर जो इसका नया अपडेट आ चुका है तो हम फटाफट जाते हैं अपडेट को करने के लिए। आपको सिंपली क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग में आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं दोस्तों, यहाँ से भी आप ऊपर से भी जा सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है दोस्तों, अबाउट फोन में आपको यहाँ पर एक अपडेट का ऑप्शन दिख जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर अबाउट फोन पर क्लिक करना है। अबाउट फोन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको MIUI वर्जन दिख जाता है। तो यहाँ पर देखिए MIUI वर्जन आपको यहाँ पर 13 दिखता है। दोस्तों यहाँ पर अपडेट की बात करें, अपडेट में आपको यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है, तो सिंपली आपको यहाँ पर बता दूँ कि MIUI 13 आपको यहाँ पर 3.0 देखने को मिल रहा है। अब अपडेट के बारे में बात करें तो लर्न बार्ड्स न्यू अपडेट में क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, तो अपडेटेड एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैचेस टू सेप्टेम्बर 2022 इंक्रीज सिस्टम सिक्योरिटी, मतलब इसमें जो आपको आपकी सिस्टम सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है, इंक्रीज की जा रही है। और दोस्तों इसमें आपको एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैचेस जो आपके सेप्टेम्बर के थे वो आपको इसमें जो है अपडेट किए जा रहे हैं, मतलब आपको जो है इम्प्रूव किए जा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर अपडेट दिख जाता है, आपको नॉर्मली आपको इसमें अपडेट दिखता है। और दोस्तों अपडेट के साइज की बात करें तो आपका जो अपडेट है यहाँ पर आपको 566 MB का आपको यहाँ पर अपडेट मिल जाता है। और दोस्तों आपको सिंपली अपडेट करने के लिए आपको यहाँ पर डाउनलोड अपडेट पर क्लिक करना है। और दोस्तों इसके बाद जो आपका अपडेट है यहाँ पर सिंपली आपका अपडेट लेने में 20 से 25 मिनट का टाइम लेगा और दोस्तों आपका मोबाइल यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और दोस्तों चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।